दोस्तों, इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में नया तरीका बताया जाता है, हमेशा नया बिजनेस बताया जाता है। आज मैं आपको एक नया बिजनेस लेकर इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुका हूं। इसी वीडियो के अंदर एक ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ये बिजनेस उनके लिए बहुत ही खास है जिसके पास पैसे बहुत ही कम है और दोस्तों बेरोजगार है। आपके पास कोई भी अगर रोजगार नहीं है तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो बेरोजगार युवा है या कोई भी गरीब है जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक बार छोटा सा एक कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा, हर तरह का नया वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताऊंगा, इस एक ही बिजनेस से आप 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रत्येक महीने कमा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये कम से कम बता रहा हूँ, यहाँ तक कि अगर आप अच्छा काम करोगे, ज़्यादा माल सेल करोगे, आपकी अगर मार्केट के अंदर पकड़ अच्छी हो जाती है तो आप 5 से 7 लाख रुपए भी 1 महीने में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पैसा भी होता है, साथ ही उनको नॉलेज होता है, आइडिया होता है कि कौन से शहर के अंदर कौन सा बिजनेस चलता है, कौन से गांव के अंदर कौन सा चलता है। तो दोस्तों, वो उसके आधार पर ही काम करते हैं, उसी लिए वो अच्छे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता पूरा होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो दोस्तों वो बिज़नेस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास तो पैसे तो होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मार्केट के अंदर कैसे बिज़नेस करना है। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, साथ ही जानकारी भी नहीं होती है, तो वो लोग बिज़नेस नहीं कर पाते। साथ ही आज के समय में काफ़ी ऐसे जो युवा है उनको पूरा पता है, साथ ही वो बिज़नेस कर भी सकते हैं। आज मैं आपको चीनी का बिज़नेस बताने वाला हूँ कि आप शुगर जो चीनी आती है उसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ अकेला खांड का बिज़नेस आप करेंगे और दोस्तों आप 50,000 रुपये कम से कम, और ज़्यादा आप अगर मेहनत करोगे, काम करोगे तो आप 2 लाख। तो दोस्तों, 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कुछ काम अच्छा करना होगा, आपकी पैठ भी अच्छी बनानी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन 50,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। जो पहले महीने से आप शुरुआत में भी, तो 50,000 रुपये में आप कैसा काम करेंगे और 2 लाख में कैसा करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी जेब में 50,000 रुपये हैं तो आप 2 लाख कमा सकते हैं। अगर आपकी जेब में 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच में हैं तो आपको 50,000 रुपये प्रत्येक महीने आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उसके साथ साथ ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खेती बाड़ी ना करें और सिर्फ यही काम करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको 1 या 2 घंटे आपको काम करना है, अपना ऑर्डर देना है, लेना है और माल पहुंचा देना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये बिज़नेस कहाँ पर चलेगा। तो इसके लिए आपको अपने जहाँ पर नज़दीक जो छोटे गाँव हैं उसको, गांव के अंदर आपको देखना है कि इन गांवों के अंदर जो छोटी दुकानें होती है, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो आपके जैसे बराबर, ऐसे नहीं है कि जो बड़े पैसे वाले, ज़्यादा पैसे वाले और बड़ी दुकानें होती है जो होलसेल काम करते हैं वो नहीं, छोटे से छोटा जो उद्योग करता है उस दुकान से आपको संपर्क करना होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जो हलवाई होते हैं, जो हर गांव के अंदर 1 या 2 बड़े हलवाई होते हैं या मिठाई की दुकान होती है, उस पर चीनी काफ़ी आवश्यकता होती है और काफ़ी जो चीनी की भाव भी वो आपको अच्छे मिलेंगे वहाँ पर, और साथ ही माल भी आपका वहाँ पर ज़्यादा बिकेगा। तो अगर आप प्रत्येक गांव के अंदर 5 या 7 ऐसे आप कस्टमर अगर आप सेट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 गांव में आपको सेटअप करना है, तो करीबन आपके पास 50 से 60 कस्टमर आराम से आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको शुरुआत में आपको खुद को जाना होगा, संपर्क करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी, तो आपसे वो माल क्यों खरीदेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें सस्ता देंगे, अगर आप मार्केट्स के भाव अगर उन्हें देना चाहते हैं तो आपसे नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा कि इनकी चीनी कहाँ से आ रही है, पहले जो माल आ रहा है उनका आप पता करें और उनका क्या भाव आ रहा है। ऐसे नहीं है तो आप खुद बड़े जहाँ पर शेयर होता है उस मार्केट में आप जाए और आप वहाँ से पता करें कि मेरे को चीनी चाहिए, आप मुझे क्या भाव देंगे, तो
जिस भाव से उनको मिल रही है उन भाव का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको होलसेल ख़रीदना है तो वहाँ पर होलसेल में अगर 35 या 37 रुपए मिल रही है तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि 35 और 37 रुपए में जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी यही भाव मिलती है, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो मान लिया कि आप उनको 36 रुपए मिलती है तो आप अगर 34 रुपए में उनकी दुकान पर ही माल दे देते हैं तो दोस्तों क्यों नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि 2 रुपये काफ़ी होते हैं, प्रत्येक एक क्विंटल के पीछे 200 रुपये का फ़ायदा होता है, तो 200 रुपये का काफ़ी होता है। तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको चीनी वहाँ से ख़रीदनी नहीं है, केवल आपको रेट पता करना है। तो उसके बाद में आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है, गोदाम आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर के अंदर भी अगर बड़ा मकान है तो उसमें सेटअप कर सकते हैं। अगर आप बाहर खेत के अंदर रहते हैं, खेत के अंदर आपका अगर मकान कोई भी बना है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यही फालतू खर्चा कर लेते हैं, शुरुआत में मकान किराए पर ले लेते हैं कि ये लोकेशन नहीं है, अच्छी लोकेशन पर लेंगे तो उनका किराया ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। तो दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसे व्यापारी देखे हैं जो शुरुआत में 1 या 2 लाख रुपये बाज़ार के अंदर लेके आ चुके थे, उन्होंने दोस्तों अच्छे से अच्छे और पूरा लोकेशन पे उन्होंने गोदाम ले लिया, गोदाम का किराया 10 से 15 हज़ार रुपये, उसके ऊपर लाइट बिल कुल मिला के 20 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना खर्चा। तो ऐसे आप मत करिए, जो करते हैं उनका असर क्या हुआ, क्या हाल हुआ वो आप ही नहीं देखा होगा, कुछ ऐसे व्यापारी आपके गांव में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जो वो करते हैं वैसे आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल करना है। नॉर्मल के लिए आप अपने घर के अंदर शुरुआत में स्टॉक कर सकते हैं, ज़्यादा अगर जगह नहीं है तो, क्योंकि आप कोई ज़्यादा माल तो ख़रीदते नहीं हैं, 5 टन या 10 टन माल ख़रीदेंगे तो आप कहीं पर भी स्टॉक कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में आपको छोटे छोटे गाँवों के अंदर, अपने खुद के गाँव के अंदर सेलिंग देना है, उसके बाद में आपके अड़ोस पड़ोस में 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव होते हैं वहाँ आपको सेटअप करना है, आपको सेल वो जो भी माल है उसको आपको सर्विस देनी है, समय पर पहुंचाना है, ऑर्डर मिलता है तो आपका उनका माल तुरंत पहुंचा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बिज़नेस सेटअप हो सकता है, अगर आपको संघर्ष करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और माल अपने आप बिकेगा, ऐसा दोस्तों भैया कभी न तो बिका है और न किसी का माल बिकता है। कुछ आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपका बिज़नेस सेटअप हो जाएगा और आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे और फालतू खर्चा आपको 1 रुपया भी नहीं करना है, तभी आप इसमें पैसे बचा पाएंगे। कुछ लोग फालतू खर्चा कर देते हैं, फालतू 1 रुपया भी आप खर्चा ना करें। तो दोस्तों फिर आपको ये देखना है कि ये माल सबसे सस्ता कहाँ पर मिलेगा, तो ये माल आपको सीधा मेल के अंदर ही मिलेगा जो सस्ता आप ख़रीदेंगे। तो लोग ऐसे भी है जो मार्केट से माल ख़रीदते हैं और दोस्तों यहाँ पर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, तो उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, 2 से 3 महीने में उसका बिज़नेस बंद हो जाता है, क्योंकि वो पैसे कमाने आए नहीं है, केवल ऐसे ही मज़ा करने के लिए आए थे। तो आपको मज़ा नहीं करना है, आपको काम करना है और पैसे कमाने। तो दोस्तों आपको सीधा मेल से शुरुआत में 5 टन ही माल ख़रीदना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं ख़रीदना है, क्योंकि कुछ लोग 10-15 टन एक साथ ख़रीद लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 5 टन जब आपका माल पूरा बिक जाए उसके बाद में आप 10 टन माल बुक करवा सकते हैं, उसके बाद में और ज़्यादा करवा सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको माल को बढ़ा सकते हैं, अपना स्टॉक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सीधा मिल से, मिल में अब चीनी के जो भाव है वो अलग अलग भाव है, कुछ ऐसी मिल है जहाँ पर 22-23 रुपये में मिल रहे, 28 रुपये में भी है और 30 रुपये में भी मिल रही है। तो आपको ये देखना है कि सबसे सस्ता कहाँ पर मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाव कम है तो क्वालिटी घटिया खरीदे, ऐसा नहीं, क्वालिटी भी अच्छी और भाव भी अच्छे होने चाहिए वहाँ से आप खरीदें। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, आपको कोई भी नंबर नहीं मिला है, आप किसी भी मिल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको पता नहीं है कहाँ पर मिल है, तो आप दोस्तों इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखकर कमेंट करेंगे तभी हमारे पास वो आपका कमेंट पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट सबसे पहले कर दिया, वीडियो को आगे पीछे कर दिया और आपने कमेंट कर दिया, तो दोस्तों वो कमेंट हमारे पास नहीं पहुंचेगा और ना हम उसकी आपको रिप्लाई देंगे। जो दोस्तों लोग वीडियो पूरा देखते हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं उन्हीं का दोस्तों हम कमेंट देखते हैं और उन्हीं का कमेंट हमारे पास हाथों हाथ शो हो जाता है
और दोस्तों हाथों हाथ उनको रिप्लाई देते हैं। अगर आपने वीडियो को आगे या पीछे किया है तो वीडियो को पूरा रिपीट देखिए और फिर कमेंट करिए, हाथों हाथ आपको जवाब मिलेगा और सबसे सस्ती चीनी हम आपको दे सकते हैं।